तो हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। एंड यू गाइस आर वाचिंग एसके खान व्लॉग्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हमारे आई थी छोटी सी प्यारी सी भतीजी आई थी। तो जी, सबसे पहले आपने देनी है मुबारकबाद, क्योंकि शिराज माइकल ने यहाँ पे ले लिया है अपना घर, तो वो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है। तो व्यूअर्स, आज देखें हमारे किचन में क्या बनने वाला है। पालक और बाय बाय टाटा गुड बाय गया। पालक है, ये पालक है सारी? नहीं यार, साग है मामा। हैं निशा तू बता, कौन सा? निशा तू बता, कौन सी पालक है, कौन सा साग है? हैं छोटे पत्ते वाला साग है और ये है पालक। हाँ सही बोला है निशा ने। तो आज हमारे किचन में बन रहा है साग। कड़वी खुशबू आ रही है ना, देखो। देखिए मामा बाहर गई थी, तो जब भी जाती है मामा तो कुछ ना कुछ इस तरह का लेके आती है। हमारी सारी डाइटिंग का बेड़ा गर्क हो जाता है। ये देखे, ये निम्को है, ये है जी निम्को, और ये है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, और ये पापड़ है नरम वाले, ये आना के फेवरेट है। इसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही है जैसे पुराने ऑयल में बनी हुई है चिप्स। तो ये देखे व्यूअर्स, आवाम को खिलाया जा रहा है जहर, ठीक है। ये दुकानदार ने जो है ना, ये इसमें से स्मेल आ रही है बाकायदा अजीब सी। अब पता नहीं खुदा जाने उसमें उसने किस ऑयल में बनाई है, किस तरह बनाई है, कोई पता नहीं। यहाँ पे व्यूअर्स ऐना आई है स्कूल से, तो ऐना हमें सिखा रही है क्या फार्मूला, क्या फ्रूट कैसे निकालते हैं। हाँ मैथ के, मैथ का क्वेश्चन सिखा रही है। और ये देखे व्यूअर्स, ऐना मामा को मैथ सिखाते हुए अभी वही होगा, मतलब कि जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई की वैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और फिर जब हम ये शिफ्ट पाएंगे, ठीक है, ये शिफ्ट का निशान आ गया। क्या बोल रही है, क्यों रुक गया आप? बताओ सर, लो बंद करा कर, लो बंद करा। अच्छा व्यूअर्स, अभी जो है ना, मैंने आना को पढ़ाते हुए जो है ना, इसको जो है ना, इसको बोल दिया। क्या बोला है ना, Amazon गाइस देखें भाई, आपके लिए वीडियो, आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करने के पीछे से इतने ऐप्स करिए ना, इतने ऐप्स डाउनलोड किए ना कि अब ऐप्स का ही छपा है इसके दिमाग में सारे वर्ड। मैं इसको पढ़ रही हूँ Amazon। नहीं गलत है, क्यूब रूट ऐसे निकलता है कि जैसे नौ कैलकुलेटर से ऐसे निकालते हैं कि शिफ्ट का बटन दबाया और x3 को दबाया, फिर उसके बाद हमने जितना क्यूब निकालना है उसको लिखा, फिर हमने इज इक्वल लिखना है, क्यूब रूट निकल आएगा, उसके बाद हमने दो चीजों को करना है मल्टीप्लाई, जिसको हमने क्यूब रूट से निकाला है, उन दो चीजों को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर आ जाएगा, वो होगा क्यूब रूट का आंसर। तो जी, सबको खुदावन जो है ना अपने घर से नवाजे, जितने भी रेंट पर रहते हैं या जिनके पास घर लेने की गुंजाइश नहीं है, तो हम खुदा से यही दुआ किया करें कि खुदावन आपको अपना घर दे और तमाम परेशानी और दुख तकलीफ़ों से बचाए। आमीन आमीन आमीन। तो सब ने दुआ करनी है उन लोगों के लिए जो अब तक अपना घर नहीं ले सके और जो लेना चाहते हैं लेकिन वो ले नहीं पा रहे, कुछ मजबूरियों की वजह से, कुछ महंगाई इतनी बढ़ गई है जिसकी वजह से लोगों के पास गुंजाइश इतनी रही नहीं है कि वो अपना घर ले सकें। मछले तो बताओ ना। डिनर बन रहा है, मैं कुछ रोटियां बन चुकी हैं ये देखें, तो अभी हम साथ बैठ के डिनर करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे छत पे और बनाएंगे जी चाय लेके छत पे जाएंगे, या लाइट आएगी तो फिर चाय बनाऊंगी। हाँ चलो सही है, फिर ऐसा सही है ना, लाइट आएगी फिर बनाऊंगी, क्योंकि अभी लाइट नहीं है ना, तो कैटल में ज़रा जल्दी बन जाती है, पानी फटाफट से बॉयल हो जाता है और मिनटों में चाय बन जाती है, वरना गैस पे तो पहले वेट करना पड़ता है फिर जाके चाय बनती है। ये देखे व्यूअर्स, अलीशा आ चुकी है और अलीशा ने बैग आते फेंक दिया है, जान छुड़वाते पढ़ाई से। तो व्यूअर्स ये देख रहे हैं आप, ये वाइट कलर की आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी, ये पता नहीं क्या है,
कोई जहाज है या क्या है ये कुछ पता नहीं चल रहा, अंधेरा इतना है कि कुछ साफ पता नहीं है। ये देखें किस तरह नीचे आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो जी हाँ व्यूअर्स, लाइट आ चुकी है, शुक्र है लाइट आई है। तो अब हम बनाएंगे अपनी चाय। तो चले इसमें लेते हैं पानी और बनाते हैं अपनी चाय। तो यहाँ पे हो रही है रेडी, तो यहाँ पे पानी बॉईल हो रहा है, जब तक हम अपने कप्स रेडी कर लेते हैं, उसमें चीनी और पत्ती वगैरह ऐड कर लेते हैं। दूध अलग ही मज़ा है, लेकिन आज मज़ा इसलिए नहीं आया क्योंकि जो है ना वो मकई नहीं थी, मकई का आटा नहीं था। लास्ट टाइम जो है ना हमने पंजाब से मंगवाया था, तो हमारी मामी लोगों ने भेजा था वहाँ से ना, पंजाब से आटा भेजा। तो आप लोगों को जैसे कि पता होगा, जो पंजाबी हैं टिपिकल पंजाबी, उनको पता होगा कि साग के साथ जो है मक्की की रोटी जब तक ना होना तो साग का मज़ा ही नहीं आता। तो खैर इस बार हमारे पास साग नहीं था। लास्ट टाइम जो है ना, लास्ट ईयर मैंने हम लोगों ने जो है ना पंजाब से मंगवाया था साग, और बहुत ही आला किस्म की रोटियाँ बनी थी, मैंने अपने हाथों से बनाई थी। फर्स्ट टाइम मैंने रोटी बनाई थी और इतनी अच्छी रोटी बनी थी ना वो। और उसका अब जब तो अब जो है ना, अगर मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना, आज तो मेरे पास आटा नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी ना तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी टेक्निक्स कि किस तरह हम बनाते हैं, और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो मैं ये कह रही थी कि इस बार जो है ना हम जब बनाएंगे ना मकई की रोटियाँ, तो आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये है कि लास्ट टाइम मकई का आटा भी बहुत ज़्यादा आ गया था, और इस बार तो है ही नहीं। आएगा ना दोबारा से मंगवाएंगे, अगर कोई आया इधर को तो फिर भाई वगैरह कोई आए तो उनसे मंगवाएंगे, अदरवाइज़ जो है ना हम यहाँ से लेकर आ जाएंगे कहीं से शॉप वगैरह से। यहाँ करीबी शॉप से ना मिलते भी नहीं है, वो मेन मार्केट में जाना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा सा ना हम परहेज़ करते हैं कि इतनी दूर जाने से अच्छा है कि बंदा घर की रोटी ही बना ले। तो आज मैं जितना सोच रही थी ना कि मैं आज जो है ना मीठा नहीं खाऊंगी, आज मैंने सारा दिन यही सोचा था, लेकिन हुआ क्या कि शाम के वक्त जो है ना घर में आ गए जी लड्डू, सही है, हमारे जो है ना सामने वाले पड़ोसी उन्होंने बांटे थे तो लड्डू आ गए, तो फिर कंट्रोल नहीं हुआ। तो मैं चाय भी थोड़ी, मैंने सोचा चलो चाय भी पी लेते हैं, वरना मैंने आज सोचा था कि बिल्कुल नहीं खाऊंगी मैं मीठा। तो खैर हो गई, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप जो सोचो ना तो वो कभी नहीं होता। तो इसी के साथ व्यूवर्स हम अपनी वीडियो करते हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।